खबर नगर परिषद बेराड़ से है, जहां पर आज सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे नगर परिषद बेराड़ में वाहन प्रवेश कर ठेकेदार के गुंडों की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां ठेकेदार के गुंडों द्वारा ऑटो टैक्सी चालकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत आज ड्राइवर यूनियन ने नगर परिषद CMO को दर्ज कराते हुए ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है कि बाजार में अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, हर कोई से खाली गाड़ी लगी रहती है, 3 दिन से हमारी तो बोनी नहीं होती उसमें। तो कौन कर रहा है वसूली? जो जिन लोगों ने नगर पालिका से ठेका लिया, क्या किया है उनकी, उनके जो आते हैं जो बच्चे चमचे वगैरह आते हैं वो हमको मारते पीटते भी हैं। थाने रिपोर्ट लगाई आपने मारपीट की? नहीं, अब आज ताजी हुई है। तो अपना थाने रिपोर्ट? लड़का कहाँ गया? ये लड़का खड़ा, इससे हुई है बात करो उससे। मुझसे मैं सुबह खाली कर रहा था गाड़ी, तो मेरे पास आया, बोला 20 रुपये दो। मैंने बोला अभी आता जा रहा हूँ, मेरे पास अभी है नहीं, तुम दोपहर में ले लेना। तो मेरे से बोला कि 4 लड़के बुला के तुमको मारा जाएगा, गाड़ी वाले को गाड़ी में बॉडी में मारा जाएगा। किसने मारपीट की तुम्हारे? तो वो क्या नाम उसका, काला से नाम नहीं था। तो मारपीट की रिपोर्ट आपने थाने में दर्ज कराई? नहीं नहीं, मैंने इन लोगों से किया, अपने दोस्तों से, कि सारे टैक्सी वालों कि ऐसे ऐसे मेरे से बोल रहा था। तो सारे भाई मेरे जो बोले कि कौन बोला, तो नगर पंचायत में चल के कार्रवाई कर।